बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव की रितिका सिंह ने केबीसी यानी कौन बनेगा करोड़पति में प्रतिभाग करके अपने माता पिता और बिहार का नाम रोशन किया है। बता दें कि रियलिटी क्विज टेलीविजन शो कौन बनेगा करोड़पति के 16वें सीजन में भोजपुर की रितिका सिंह हॉट सीट पर पहुंची। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलने पर रितिका के माता पिता व प्रियजन बेहद खुश हैं। रितिका सिंह के पिता मनोज कुमार सिंह बिजनेसमैन हैं। रितिका ने आंचलिक खबरें में इंटरव्यू के दौरान केबीसी के अपने अनुभव साझा किए। देखिए क्या कहा रितिका ने। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी आए और मुझे इतना अच्छा अच्छा गिफ्ट दिए, इतने सारे ब्लेसिंग्स दिए। आई फील वेरी प्राउड और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने आप सबको प्राउड फील करवाया। और ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आने वाले जीवन में भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहूँ, अपने भारत माँ का नाम रोशन करते रहूँ। जब मैं उनके सामने गई थी, मैं सेकंड फास्टर फिंगर्स फर्स्ट में आई थी और जैसे ही मैं उनके सामने आई, मतलब मेरा हक्का बक्का बोल हो गया, क्योंकि ही सो हैंडसम एंड द पर्सोना ही हैज, मतलब उनका जो रग रग में खून बहता है और वो अपने एनवायरनमेंट में जो पर्सोना भी खेलते हैं, वो सबके बस की बात नहीं हैंडल करना। और मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत खुश होके जब मैंने उनसे बात की तो मेरा ऐसा लगा कि जीवन का सपना पूरा हो गया। अगर स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो टू बी ऑनेस्ट कि ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे, ऑडिशन हो गया, ऑडिशन में जीके टेस्ट होता है उसको क्लियर किया मैंने, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू में इफ़ यू क्लियर देन दे विल कॉल यू, उन्होंने मुझे फिर कॉल किया। उसके बाद जब मुझे कॉल आ गया कि यू आर कमिंग टू मुंबई फॉर केबीसी, उसके बाद से फिर मैंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। सो दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? या दिस वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड आई एम सो टचवुड, आई एम सो लकी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे आ गई। अगर मैं प्रेरणा की बात करूँ तो मेरे सबसे बड़े प्रेरणा और जो मेरे सपोर्टिव सिस्टम है वो मेरे मम्मी पापा हैं और मेरा भाई है। उन तीनों के वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और सच बताऊँ तो मेरे पापा वुमेन एम्पावरमेंट को सबसे आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे हरदम बचपन से इंडिपेंडेंट बनाया है और उन्होंने बोला जो करना है बेटी कर, मैं तेरे साथ हूँ। तो मैं जो भी मेरी बहनें हैं, छोटी छोटी बेटियां हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहूंगी कि जो तुम्हारे सपने हैं तुम उसको पूरा करो। जैसे मैं, मेरा जो गांव है वहां पे भी जो बेटियां हैं, मैं उनको भी यही बोलना चाहूंगी कि जैसे आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ, क्या पता आने वाले टाइम पे वो भी इस मुकाम पे आए। तो मैं उन सबको यही बोलूंगी कि सपने देखो और डेफिनेटली वो पूरा होगा, भगवान तुम्हारे साथ है और अपने बड़े का तो आशीर्वाद है ही हमारे साथ। मुझे मेरे ऑफिस में लोग कह रहे हैं हेडलाइन गर्ल्स, क्योंकि जितना मेरा अभी तक हेडलाइन आया है अभी तक किसी का नहीं आया है। तो मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रही हूँ कि मैंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे कि मैं हेडलाइन में आ गई। आगे तो मैं सच बताऊँ तो भगवान ने हमारी सबकी किस्मत लिख रखी है, मुझे बस मेहनत करना है, जहाँ पे वो लेके जाएंगे मैं वहाँ जाऊंगी। मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। मैं कहीं पे भी जा रही हूँ, जैसे उनको पता चल रहा है दैट आई हैव कम टू केबीसी, वो अलग सा मेरे साथ व्यवहार करने लग रहे हैं, वो मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं खुद एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं जहाँ पे भी इंटरव्यू करने जा रही हूँ जिसकी दिग्गज लोगों से मिल रही हूँ, एंड व्हेन दे गेट टू हियर दैट आई हैव कम टू केबीसी, वो लोग इतने खुश हो रहे हैं, उनको इतना अच्छा लग रहा है कि यस वी आर विद समवन जो इतने बड़े मुकाम पे आया है। तो ड्रास्टिकली मेरा लाइफ चेंज हुआ है। बचपन से बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन हूँ और मैं अपने आप को एम्बिवर्ट में काउंट करती हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हुई, ना मैं घबराई। मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुआ कि मैं खुशी के आंसू रोने लग गई, मतलब मुझे इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था, मुझे कभी फील ही नहीं हो रहा था कि मैं अमिताभ बच्चन से नहीं मिली हूँ, मैं बस बहुत फ्रैंकली उनसे बात करने लगी। मेरे यादगार सच बताओ तो वो था जब मैं उनको जेंजी के टर्म्स बता रही थी, तो लास्ट में उन्होंने मम्मी पापा को बोला कि भाई साहब और मामा को कि आप कैसे इस देवी जी को संभालते हैं, कहीं देखिएगा नहीं कि आपके घर में खुद बेंचिंग ना हो जाए। तो मुझे इतनी ज्यादा हंसी आई थी, मतलब सबसे मोस्ट मेमोरेबल मेरा ये था। और यस वो था जब वो मेरे पास आके उन्होंने मुझे हग किया था, तो मतलब जैसे मैं फास्टर फिंगर फोर्स में मेरा नाम आ गया था और जब मैं रोते रोते गई तो उन्होंने आके हग किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि सच अ बिग पर्सनालिटी इज कमिंग टू मी एंड हगिंग मी टू कंफर्ट मी, दैट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर मी। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ तो जैसे ही सबको पता चला कि मैं केबीसी पे आई हूँ, मतलब मेरे पापा मम्मी का फ़ोन आना बंद ही नहीं हुआ, उनको कॉन्टीन्यूसली कॉल आने लग गए। मेरे जो गांव के लोग हैं उनको इतना खुशी हुआ कि हमारी गांव की एक बेटी इस मुकाम पे पहुंची है, सब बोलने लग गए कि एक बार गांव आओ और इसको और सेलिब्रेट करते। तो मतलब इन शॉर्ट बहुत अच्छा रहा, सबको बहुत प्राउड फील हो रहा है, सब इतने ज़्यादा खुश है, सबको ये लग रहा है कि मतलब हमारे जनरेशन में कोई भी यहाँ तक नहीं आएगा, खास करके बिहार के
जिस जिला से मैं आती हूँ उस जिला में अभी तक कोई भी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी यहाँ तक नहीं पहुंचा था। मैं फर्स्ट लड़की बनी हूँ जो इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है दैट यस आई हैव सेट अ बेंचमार्क फॉर समवन जो आगे जाके ऐसा करे। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।